मुख्यमंत्री गहलोत जो लगातार सचिन पर हमले कर रहे थे, राहत शिविर सभा में भी सचिन पर जोरदार हमले किए। वो सचिन के आरोपों के बाद मानो मौन व्रत धारण कर चुके हैं। माना जा रहा था कि भीलवाड़ा सभा में सचिन के आरोपों के जवाब देंगे, लेकिन गहलोत ने एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टा सवालों को भी टाल गए। इसके पीछे माना जा रहा है राहुल गांधी के साथ आज गहलोत की मुलाकात को। क्या राहुल गांधी ने गहलोत को कहा है सचिन मामले पर चुप रहने को, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि सचिन गहलोत एक होकर चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके से गहलोत ने सचिन पर हमला किया और आज सचिन ने गहलोत पर आरोपों की झड़ी लगाई, उसके बाद दोनों का एक साथ आना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में गहलोत के मौन रहने को राजनीति के जानकार मान रहे ये सियासी तौर पर आने वाली सुनामी की शांति है। हालांकि सचिन और गहलोत में बीते 3 सालों से चल रहा है वॉक युद्ध, ना तो आलाकमान रोक पाया और ना ही इसका समाधान कर पाया। ऐसे में आने वाले वक्त में दिखाई दे सकते हैं और ज्यादा तीखे तेवर। मुख्यमंत्री गहलोत जो लगातार सचिन पर हमले कर रहे थे, राहत शिविर सभा में भी सचिन पर जोरदार हमले किए। वो सचिन के आरोपों के बाद मानो मौन व्रत धारण कर चुके हैं। माना जा रहा था कि भीलवाड़ा सभा में सचिन के आरोपों के जवाब देंगे, लेकिन गहलोत ने एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टा सवालों को भी टाल गए। इसके पीछे माना जा रहा है राहुल गांधी के साथ आज गहलोत की मुलाकात को। क्या राहुल गांधी ने गहलोत को कहा है सचिन मामले पर चुप रहने को, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि सचिन गहलोत एक होकर चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके से गहलोत ने सचिन पर हमला किया और आज सचिन ने गहलोत पर आरोपों की झड़ी लगाई, उसके बाद दोनों का एक साथ आना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में गहलोत के मौन रहने को राजनीति के जानकार मान रहे ये सियासी तौर पर आने वाली सुनामी की शांति है। हालांकि सचिन और गहलोत में बीते 3 सालों से चल रहा है वॉक युद्ध, ना तो आलाकमान रोक पाया और ना ही इसका समाधान कर पाया। ऐसे में आने वाले वक्त में दिखाई दे सकते हैं और ज्यादा तीखे तेवर। मुख्यमंत्री गहलोत जो लगातार सचिन पर हमले कर रहे थे, राहत शिविर सभा में भी सचिन पर जोरदार हमले किए। वो सचिन के आरोपों के बाद मानो मौन व्रत धारण कर चुके हैं। माना जा रहा था कि भीलवाड़ा सभा में सचिन के आरोपों के जवाब देंगे, लेकिन गहलोत ने एक भी शब्द नहीं बोला, उल्टा सवालों को भी टाल गए। इसके पीछे माना जा रहा है राहुल गांधी के साथ आज गहलोत की मुलाकात को। क्या राहुल गांधी ने गहलोत को कहा है सचिन मामले पर चुप रहने को, क्योंकि आलाकमान चाहता है कि सचिन गहलोत एक होकर चुनाव लड़े। लेकिन जिस तरीके से गहलोत ने सचिन पर हमला किया और आज सचिन ने गहलोत पर आरोपों की झड़ी लगाई, उसके बाद दोनों का एक साथ आना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में गहलोत के मौन रहने को राजनीति के जानकार मान रहे ये सियासी तौर पर आने वाली सुनामी की शांति है। हालांकि सचिन और गहलोत में बीते 3 सालों से चल रहा है वॉक युद्ध, ना तो आलाकमान रोक पाया और ना ही इसका समाधान कर पाया। ऐसे में आने वाले वक्त में दिखाई दे सकते हैं और ज्यादा तीखे तेवर।